Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव मतलब कि हम इक्वेशन देखें तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगे। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, वो अगर हम मेंशन कर दें तो वो फर्स्ट स्टेप होगा इंफॉर्मेटिव बनाने की ओर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को हम दिखा रहे हैं कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, तो उसके लिए हम सिंबल्स यूज करेंगे। सो अगर कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड है तो एस को हम ब्रैकेट में, स्मॉल एस इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, वो उसके हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अगर लिक्विड है तो वी विल यूज स्मॉल एल, एंड इफ इट इज गैशियस वी विल यूज स्मॉल जी, और एक्वस यूज होगा फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वेयर सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। सो इस केस में अगर हम एक एग्जांपल देखें, वी हैव जिंक जो कि एक सॉलिड है, तो Zn ब्रैकेट में स्मॉल s प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमने AQ लिख दिया ब्रैकेट में, फिर ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट which is also an aqueous solution, so हमने AQ लिखा, H2 is hydrogen, जो कि एक gas है, so we've written G in the bracket. So first था indication of physical states, और हम क्या कर सकते हैं, we can indicate heat changes, क्योंकि हमने देखा था temperature change होता है while a chemical reaction is going on, so exothermic और endothermic दोनों में हम हीट चेंजेस शो कर सकते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक होगा मतलब एग्जिट, दैट मींस हीट इज प्रोड्यूस्ड हीट, तो हम उसको प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कार्बन हमने एस लिखा क्योंकि वो सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन हमने जी लिखा, उसकी स्टेट लिखी है, फिर हमें मिला CO2 दैट इज अ गैस, और हीट प्लस हीट लिखा क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हम प्रोडक्ट की साइड पे प्लस हीट लिखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हम हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो हम रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिखेंगे। सो वी हैव N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस प्लस हीट क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देन एरो फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज अ गैस। ऐसे हम हीट चेंजेस दिखाते हैं। अनदर थिंग दैट कैन बी डन, इंडिकेशन ऑफ कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशन भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हीट रिक्वायर्ड है या प्रेशर हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, कैटलिस्ट हमने इन्वॉल्व किया है, ये सब हम दिखा सकते हैं। अगर हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन में तो हम डेल्टा एक स्मॉल ट्रायंगल बना देते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। सो इससे ये इंडिकेट होता है कि हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अगर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो उसको भी हम मेंशन कर देते हैं एरो के ऊपर। For example, let us see a problem. Convey the following information in the form of a balanced chemical equation on adding aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate. Copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in the solution. उसको हम कैसे दिखाएंगे? Copper sulfate मतलब CuSO4. उन्होंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया AQ, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH व्हिच इज आल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन।
ठीक है, इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन दी सोल्यूशन. जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं. ये प्रेसिपिटेट आउट करने का सिंबल होता है. कोई चीज अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही है तो उसके साथ हम एक डाउनवर्ड एरो शो करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं किसी भी एक रिएक्शन को बाय राइटिंग द स्टेट, या फिर अगर इसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती तो उसके ऊपर हम डेल्टा लगा देते हैं, या प्रेशर दे रहे होते तो हम लिख देते 1 एटमॉस्फेयर या फिर 2 एटमॉस्फेयर, 300, व्हाटएवर. ठीक है, उसके ऊपर हम शो कर देते. फाइन, सो दिस वाज अबाउट मेकिंग द इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव. वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस.